हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत किया जाता है। वीडियो बहुत ही दमदार है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपके मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है भैया, क्या मसीह होली मना सकते हैं? मनाए या ना मनाए, फिर भैया देखिए, भैया जो होली मनाता है वह तो मनाएगा ही, उसको कोई नहीं मना कर सकता, क्योंकि वह अभी संसार का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, होली का त्यौहार शैतान का वार, भाभी मैं आपको रंग लगाऊंगा। अब भाभी तो भैया बुरा नहीं मानेंगी, हाँ, मगर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है उसको बुरा जरूर लगेगा भाई, क्योंकि उसने आपके लिए लहू बहाया है, कूड़े खाए हैं, मार खाई है, आपको संसार से चुनकर अलग किया है भाई। ठीक है, यीशु मसीह ने हम सभी को संसार से चुनकर अलग किया है। भाभी के गुप्त अंगों पर रंग लगाना, ये व्यभिचार है भैया, जो संसार कर जो संसार में कर रहे हैं उनकी और मत भागो भैया। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, जैसे कुलुसियों 2:20 में लिखा हुआ है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो। होली में नाचते हो, कूदते हो, डीजे पर नाचते हो, कूदते हो, एक दूसरे को होली लगाते हो, तो क्यों ऐसा करते हो भैया, क्यों करते हो भाई? जब परमेश्वर ने तुम्हें संसार से चुना है, अलग किया है, होली लगाकर नाच कूद कर आप लोग स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। परमेश्वर आपका नाच कूद देखने के लिए स्वर्ग में नहीं बैठा है, वह न्यायी परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप इस गलत फहमी मत रहना कि भैया मैं होली मनाकर स्वर्ग चला जाऊंगा, इस गलत फहमी के चक्कर में मत रहना। ठीक है, जैसे कुलुसियों 3:5 में लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। परमेश्वर यहाँ गलत लोगों की संगति के लिए मना कर रहा है। जरा सोचो, अगर आपका उद्धार ही ना हुआ हो तो क्या होगा? अगर आप यीशु की बात नहीं मानकर होली मना रहे हो तो क्या भैया आप स्वर्ग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आपको नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जनाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है, होली मनाकर आप स्वर्ग नहीं चले जाओगी। होली जो मना रहा है उसका उसको मनाने दो। बाइबल हमें इस विषय में आज्ञा नहीं देती कि तुम होली मनाओ। अक्सर नए विश्वासियों के मन में एक सवाल का जवाब जरूर आता होगा कि हम होली मनाएं ना मनाएं। भैया होली नहीं मना सकते हैं। देखिए, हमारा पुराना चाल चलन बदल जाना चाहिए थे। पहले मसीह में नहीं थे तो सब कुछ करते थे, होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे, हर प्रकार के त्यौहार करते थे, रीति रिवाज करते थे, संसारिक काम करते थे। परंतु हम मसीह में आए हो तो भैया नई सृष्टि हो। ठीक है, परमेश्वर ने आपको संसार से चुना है, आप परमेश्वर के बेटे बेटियों हैं, बेटियां हैं। ठीक है, हम होली नहीं मना सकते। होली का त्यौहार शैतान का वार, शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आपके लिए वचन पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। 2 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो, यानी संसारिक लोगों के बीच से निकलो, अन्य जातियों के बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रिय भाई बहन बहनों, हमें संसार में मिलना घूमना नहीं है, उनके बीच से निकलना है जो संसारिक हैं। हमें उस चीज को नहीं छूना है जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया, उस चीज को हम नहीं छू सकते हैं, ना उसको कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 2 कुरिन्थियों 6:14 में लिखा हुआ है, अब विश्वासियों के साथ आसमान के जीव में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और ज्योति और अंधकार की क्या संगत। ये सच बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों, उजियाला अंधियारे को ग्रहण कभी नहीं कर सकते हमारे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर ने हमें इस संसार में से अविश्वासी जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के बीच से हमें निकलना है, उनसे अलग रहना है। ठीक है, हमें उनमें घुलना मिलना नहीं है, होली लगा के गुलाल लगा के भाई घुलना मिलना नहीं है संसार में। परमेश्वर ने लहू हमारे लिए पाया है, उसके लिए लहू नहीं पाया मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:6 में लिखा हुआ है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, यानी अन्य जातियों की नाई सोते ना रहें, उनके समान हम सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। हमें जागना है, तैयार रहना है। ठीक है, हमारा प्रभु आने वाला है। ठीक है, हमें होली मनाने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बस अपनी आत्मा को नाश करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें तैयार रहना, हर घड़ी तैयार रहना है, हमारा प्रभु आने वाला है। ठीक है, संसार कुछ भी करता है, संसार के पीछे मत भागो भैया, मत भागो, समय कम है, दिन बुरे हैं, कब तक होली मनाते रहोगे, कब तक त्यौहार मनाते रहोगे भाई? छोड़ दो ये रीति रिवाज, छोड़ दो होली लगाना, गुलाल लगाना, लौट आओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। ठीक है, संसार कुछ भी करता है, संसार शैतान के उसमें पड़ा हुआ है, प्रभु ने आपको चुना है, जगत की ज्योति यीशु मसीह है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष देगा,
इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है? और वो आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गुड लक।